बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख सकते हैं बारिशों के दिन है, हफरल बातिन पूरा भीगा पड़ा, हर जगह पानी पानी खड़ा हुआ है। सबसे पहले चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अल्लाह पाक कलाम लेके अपनी शॉप ओपन करते हैं और जो छोटे मोटे से काम है वो ख़त्म करते हैं अपने। छत की हमारी खराब हो गई है, सारा इसको सफाई करते हैं जल्दी जल्दी। हर जगह सफेदी सफेदी की दी। नौ सताइस हो गए हैं, इसको जल्दी से साफ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफाई हो गई है सारी, हर जगह बिल्कुल साफ कर दी है। अभी पता नहीं कब गिरेगी सफेदी। नौ बज के 37 मिनट, गाड़ी में पार्सल है वो निकालते हैं। पार्सल आ गए हैं गाड़ी के, उनको रेडी करते हैं। ये लैंड क्रूजर की पिछली लाइट है छोटी वाली, ये मोटर कंप्रेसर हवा है और ये शेवरलेट चेरी क्रूज की 2016 की फोक लाइट है। तो जी पार्सल्स रेडी कर दिए हैं सारे, तो अब इंशाल्लाह नाश्ता करते हैं और आपको भी दिखाते हैं आज मैंने क्या नाश्ता किया। तो मैंने ले लिया मगलूबा, मगलूबा एक अरबी डिश है, आज आपको मगलूबा का रिव्यू करवाते हैं और बताते हैं किस तरीके से पकता है। ट्वेंटी 22 पे मैं गया था, 12:30 बजे वापस आ गया हूँ। तो इसके साथ हमें मिला है एक कपड़ा और ये छत्ता है, टमाटर की चटनी होती है और साथ सलाद, और ये है जो अपना मेन कोर्स मगलूबा। सबसे पहले सफरा बिछाते हैं। ट्रे में ले आया हूँ, ये है मगलूबा नजद। तो इंशाल्लाह मैं ना एक मगलूबा है ब्रांड, वो भी बहुत स्पेशल है सिर्फ मगलूबा के लिए, तो इंशाल्लाह वो मगलूबा का भी आपको आएंगे रिव्यू। आज रिव्यू करने लगे हैं हम मगलूबा नजद का, तो इसको मैं अब अनबॉक्स करता हूँ। ये भी एक अरेबियन डिश है, जो कि स्पेशलिटी है सऊदी अरब की। जैसे हमारे पास पाकिस्तानी की इंडियंस की बिरयानी होती है। ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ चावल दिखा रहा है, जो मेन इसका होता है वो नीचे होता है। मैं इसको पलटा के, एक हाथ से नहीं हो रहा, फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने
ट्रे के अंदर पलटा दिया, इसको ऐसे हाथ मारना, बहुत अच्छी सा एक अरोमा आ रहा है। बिस्मिल्लाह, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से मगलूबा आ गया। इसमें क्या क्या होता है, इसमें आलू होते हैं, बैंगन होते हैं, और इसमें ऐसे हाफ चिकन होता है, जैसे कि ये है। बहुत गर्म है, फ्रेश फ्रेश अभी बना, तो इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा चिकन लिया, बहुत ज़्यादा गर्म है। एक ही पीस लिया बैंगन का, अगर आप सऊदी आ रही हैं तो वन ऑफ माई फेवरेट डिश है मगलूबा, ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो मैं छत्ते के साथ ट्राई करने लगा हूँ, थोड़ा छत्ता डाला, साथ में ये सब्ज़ी। बिस्मिल्लाह, छत्ते के साथ और ज़्यादा टेस्ट भर गया, लिटरली बहुत मज़े का है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है मेरे कहने पे एक दफ़ा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ढाई बज चुके हैं और मैं शॉप पे बैठा हुआ काम कर रहा था, तो स्क्रॉलिंग करते हुए मुझे एक गाड़ी नज़र आई, वो गाड़ी मुझे पसंद आ गई, उसकी डिटेल्स वगैरह। अब फिर मैंने वो बंदे से रब्ता किया, रब्ता करके उसे थोड़ा बहुत रेट का मालूमात की, रेट का मालूमात करके गाड़ी मुझे थोड़ी सी समझ आई है। बाकी मौके पे जाके देखेंगे गाड़ी को, और फिर जो उसकी और मेरी रेट में बात बन गई तो वो गाड़ी मैं उसी टाइम उसको पैसे दे के ले आऊँगा इंशाल्लाह ताला। ना तो अगर वो गाड़ी हमें पसंद ना आई तो फिर डील नहीं बनी, तो हम वैसे वापस आ जाएंगे। तो मेरे पास से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र है, तो अभी मैं निकल गया हूँ। अब आपको भी मैं दिखाता चलूँ, ये 2:30 बज गए हैं, तो हम जाते हैं उसकी लोकेशन पे, जाके जो गाड़ी पसंद आई तो मैं इंशाल्लाह वो ख़रीद लूँगा, और फिर इंशाल्लाह उसको बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि गाड़ी यहाँ पर सऊदीया में कैसे ख़रीदी जा सकती है। अभी चलते हैं जाके गाड़ी की लोकेशन पे, देखते हैं वो कितनी दूर है। 2:46 हो गए हैं और मैं तकरीबन लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, देख सकते हैं। मैं उसको करता हूँ मैसेज और देखते हैं कि गाड़ी कितने की मिलेगी और हमारी डील बनती है कि नहीं बनती है। अब देख सकते हैं मैं तकरीबन लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, वो खड़ी है गाड़ी। बहुत दूर था घर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुंच गए हैं। ये है गाड़ी किया सिराटो। ये गाड़ी है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गाड़ी के अंदर से सीट्स पे कवर लगे हुए हैं।
गाड़ी की साउंड और बाकी फ्रंट तो बिल्कुल जेन्युइन है। हेलो विलियम, इसके ओरिजिनल है। गाड़ी तो मुझे पसंद आई है, गाड़ी सील टू सील है और कलर भी बड़ा अच्छा है, ग्रे मेटालिक। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अभी देखते हैं, बात करते हैं, गाड़ी की बात बनती है कि नहीं अपने से। थ्री फोर्टी वन हो रही हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने गाड़ी ले ली है, हमारी डील हो चुकी है। गाड़ी पसंद आई थी, डील उसी के मुताबिक हुई है, मेरे मुताबिक कोई चीज़ नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी पसंद आ गई थी इसलिए मैंने ये गाड़ी ख़रीद ली है। आप देख सकते हैं गाड़ी माशाल्लाह सारी अपने पैरों पे है। अभी इसको जो बाकी के छोटे मोटे काम हैं वो करा के गाड़ी सेट करते हैं। और साहब से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, सऊदीया में रहने के कवानीन मैं दिखाता रहता हूँ। अभी क्योंकि गाड़ी की एक तो इंश्योरेंस नहीं है, ऊपर से गाड़ी के पेपर फिर ख़त्म हुए हुए हैं, दूसरी गाड़ी की इंस्पेक्शन नहीं है, ये चारों पांचों चीज़ें करवा के गाड़ी ट्रांसफ़र करेंगे, उसको फुल पेमेंट करेंगे। अभी मैंने हाफ पेमेंट करके गाड़ी ले ली है उसे, और आप देख सकते हैं गाड़ी माशाल्लाह साउंडलेस चल रही है। बस गाड़ी का तो एसी का भी थोड़ा सा काम है और गाड़ी के छोटे मोटे काम हैं, वो ख़त्म करके गाड़ी फुल बाद में अपने ट्रांसफ़र कर लेंगे, बाद में अपने ट्रांसफ़र करेंगे नाम पे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें अपनी न्यू राइड से नवाज दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि गाड़ी का एसी भी नहीं चल रहा, गाड़ी का एसी भी चेक करेंगे और बाकी छोटी मोटी चीज़ें। छोटी गाड़ी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत बन गई है, तो अब कोशिश मैं करूँगा कि अल्तिमा को भेज दें और ये गाड़ी अपने पास रखें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं आप, मल्टीमीडिया स्क्रीन भी लगी हुई है और वर्किंग भी है माशाल्लाह। बाकी इसमें मैं जो इसके बटन है वो मैं ऑर्डर करके और क्रूज़ कंट्रोल भी इसका मंगाएंगे और इंशाल्लाह पूरी की पूरी मॉडिफिकेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो गाड़ी की ओके की रिपोर्ट है। गाड़ी माशाल्लाह छोटे मोटे से काम होने वाले हैं, गाड़ी में इतना कोई मेजर काम नहीं होने वाला गाड़ी का, और रोड ग्रिप भी गाड़ी की अच्छी है माशाल्लाह से। बस ये छोटे मोटे से जो काम है गाड़ी के वो कराती हैं और गाड़ी को रेडी करती हैं और आपको दिखाती हैं टोटल ऑल ओवर गाड़ी पे कितना खर्चा आया और गाड़ी मैंने कितनी खरीदी। अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, जब से अभी ठीक करके देता हूँ, कब करेगा ठीक। तो अभी ये लुक है गाड़ी की, अभी इसको धोते हैं, धो धो के फिर बाकी की आपको लुक दिखाते हैं। अभी देखें ये हाल हुआ है गाड़ी का, बाकी ओवरऑल गाड़ी साफ है। Later that same evening. अभी गाड़ी की ये हालत है, अभी गाड़ी को अच्छे तरीके से धोते हैं अंदर बाहर से, उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी की क्या लुक आई है। पहले सबसे पहले गाड़ी को वॉश करते हैं।
नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी वॉश कर ली है। देख सकते हैं सुकून का नाम सुना है। हाय हाय इतना सुकून। अब हेडलाइट्स की बारी है, थोड़ा हेडलाइट्स पे काम करते हैं। ये देखें हेडलाइट के लिए ये रबिंग कंपाउंड इस्तेमाल करेंगे। ये देखें ये जो धाग धब्बे हैं ना, बिस्मिल्लाह इसी से ख़त्म होंगे। बात तो सही है। अभी हेडलाइट भी साफ कर दी है। अभी इंटीरियर की लुक, इस पे एक सीट कवर चढ़े हुए हैं लेकिन हम नहीं उतारते अभी, वो नीचे वो कह रहा था बिल्कुल साफ है। एसी को चेक करते हैं, एसी में क्या मसला है। तो मैंने गेज लगा लिया, इसमें लग तो रहा है गैस है। देखते हैं कि कंप्रेसर क्यों नहीं काम कर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एसी कर लिया ऑन। देखते हैं कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ, देखते हैं इसको क्या मसला है। दिखने में लग रहा था कि कंप्रेसर की पंपिंग नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं ऐसा करूँगा कि इसको मैं वैक्यूम करके इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगा, ऑयल डालने के बाद इसको चेक करते हैं गैस डाल के कंप्रेसर वापस पंपिंग पे आएगा कि नहीं। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें कंप्रेसर डलवाना पड़ेगा। अभी अच्छे तरीके से वैक्यूम हो गया, बाद में गैस डाल के चेक करूंगा, पहले ऑयल डाल लें। ये कंप्रेसर ऑयल है, कंप्रेसर ऑयल अभी डाल दिए, वैक्यूम हो गया अच्छे तरीके से। अभी कंप्रेसर को ऑयल मिल गया, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहाल हो जाएगा कंप्रेसर।
अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखें बैक प्रेशर आ गया है कंप्रेसर का, थोड़ी सी थोड़ी हम गैस डालेंगे इसके अंदर, अभी देखें वर्किंग है, बैक प्रेशर नीचे आ रहा है, कंप्रेसर अपना प्रेशर ना छोड़े तो इंशाल्लाह कमाल हो जाएगा। इन्होंने अंदर कंप्रेसर में फ़ैन भी लगाया हुआ है जो कि वर्किंग है, कूलिंग हो रही है माशाल्लाह। हमें बिल्कुल हल्की सी कूलिंग चाहिए, ये देखें बैक प्रेशर इस टाइम बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट ये देख सकते हैं, इतनी कूलिंग बहुत है, बहुत चिल कूलिंग है इतनी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कंप्रेसर चल रहा है, गाड़ी का पानी से हम चेक करते हैं, पानी भी ओके है अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी माशाल्लाह हर लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है, गैस भी चार्ज हो गई है, गाड़ी का एसी भी चल पड़ा है, और अंदर कूलिंग चेक करते हैं अंदर कूलिंग का क्या, ज़बरदस्त ठंडा हो रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। यार ये क्यों गिरे जा रहा है, ये गियर की नोब गिरे जा रही है, इसको मैं कोई चीज़ लगाता हूँ, ये गाड़ी के कलर का है, इस टाइम परफेक्ट कूलिंग हो रही है, थोड़ी सी गैस डाल के बंद कर देंगे। हला आई वाह, गैस चार्जिंग हो गई है, गाड़ी कंप्लीट हो गई है जी अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, एसी भी वर्किंग है और माशाल्लाह से ये इसमें जो लाइट्स हैं वो भी एलईडी हैं, हाई लो, हाई भी बीम और लो बीम दोनों एलईडी हैं, बाकी माशाल्लाह एसी फुल चिल हो रहा, फुल चिल है, मैंने अभी दो पे चलाया था लेकिन एसी की ज़रूरत नहीं है, अभी हम बंद कर देते हैं, मौसम बहुत ठंडा है बाहर, 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 9:19 हो गए हैं, अब घर से ऑर्डर आया चिकन चाहिए तो मैं चिकन देने जा रहा हूँ घर पे, अब घर पे जाते हैं चिकन, पहले चिकन लेते हैं फिर घर पे जाके छोड़ के आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें गाड़ी की माशाल्लाह ड्राइव बहुत स्मूथ है, चिकन उठाते हैं घर पे दे के आते हैं, मैं ये शॉप से इसलिए चिकन लेता हूँ, एक तो ये बहुत अच्छे मुनासिब रेट में देते हैं और फ्रेश चिकन देते हैं धो के काट के पीसेस और खाल उतार के, इन्होंने दो चिकन दिए हैं 28 रियाल में धो के काट के, 2 रियाल बकाया, मैंने उसको 30 रियाल दिए थे, खासा अच्छी प्राइस में मिलता है यहाँ पर चिकन और फ्रेश मिलता है डेली फ्रेश. You fly on the less one that die.